दलित जनजागृति मिशन पार्टी तरफ आए आज जचरदार हंदवार मुस्तहक लूकन मज पांचहठ राशन किट बगरान अमे अलव आव अत गरीब तो मुस्तहक लूकन खतर सिलाई सेंटर तयम कर हम इस मकसद के लिए आए हुए हैं कि जो हमने यहाँ पे ये पार्टी लॉन्च की हुई है, ये पिछले 12 साल से वर्क कर रही है जम्मू के अंदर और यहाँ तीसरा साल चल रहा है कि अभी हम पूरे गांव में नहीं मुंतखब हुए थे, तो हमने अपने स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस की थी तो उन्होंने इस एरिया का नाम लिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि लोग गरीबी के हालत में बेबस है और यहाँ के पसमानदा तबके जात के भी लोग हैं और गरीब लोग भी है, लेबर लोग हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आए कि हम अपने डीजीएम के माध्यम से इन्हें कुछ रिलीफ फराहम करें और इन्हें अपने मिशन के बारे में आगाह करें कि हमारे पास चार डिमांडें हैं जो हमारा एजेंडा है हमारे डीजीएम के माध्यम से। राशन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, सिविल सिटीजनों के लिए टिकट वगैरह फ्री होगी जनके यूटी के अंदर। इलेक्शन का प्लान तो नहीं है, आप गूगल सर्च करिए, आप देखिए मैं कब इस संघर्ष के ऊपर संघर्ष कर रहा हूं इन चीजों के ऊपर। हम चाहते हैं कि बिना गवर्नमेंट बने हमारी ये डिमांडें पूरी हो जाए, जबकि हमने दिल्ली के अंदर भी धरना दिया उसके ऊपर, प्रेस कॉलोनी में भी इसके ऊपर बाइट दी, वहां भी हमने प्रोटेस्ट किया। हम ये चीजें चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे 30 सालों से एक रियासत जम्मू कश्मीर वो एक ऐसा स्टेट है जो मुसीबतों का सामना कर रही है और हर रंग से भी परेशान है। इन्हें ना मजदूरी मिलती है वक्त पे, इन्हें ना बच्चों का साजो सामान मिलता है। अगर बच्चे इनके पढ़ाई लिखाई में सक्सेसफुल होते तो उन्हें जॉब नहीं मिलता है, या तो वो ड्रग में होते हैं नहीं तो वो खुदकुशी करते हैं। हम ये चीज़ें दूर करना चाहते हैं। 1 लाख से लेकर 3 लाख तक हम वो यहाँ के लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, यहाँ के नौजवान यूथ जो है वो अपना बिजनेस कर सके ताकि नौकरियों के चक्करों में ना पड़े, अपना एक श्योरिटी बांड बनाए। वो जिस तरह कोर्ट में स्टाम्प मिलता है उसी तरह अपना जो हमारा यूथ है ये स्टाम्प पेपर बने, ये ऐसा बिके कि 10 परिवारों को अपने साथ चला। ये तो हायर डिग्निटी से आपको ये सवाल करना चाहिए था, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, ये उन्हीं की एक लूज मोशन है जैसे किसी बंदे को लूज मोशन होती है। नाज़रीन असित वोत।